Hello everyone, my name is Upendra Singh and welcome to my YouTube channel Global Education. आज हम बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रोबायोलॉजी अब क्या होता है, इसे कैसे पढ़ना है और किस तरीके से हम लोग क्या क्या गलतियाँ करते हैं जिस वजह से हमारी माइक्रोबायोलॉजी समझ में नहीं आती. ठीक है, तो पहली एक चीज़ होती है, इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आप हमेशा अपने माइंड में एक चीज़ याद रख लीजिए, आप एक मेडिकल कोर्स में हैं इस वजह से आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं और आपकी एक गलती किसी की लाइफ बर्बाद कर सकती है या फिर हो सकता है कि किसी अपने को उससे हमेशा के लिए दूर कर दे. तो आप इसे एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के हमेशा पढ़ें. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. एक चीज़ याद रखिए कि जो माइक्रोबायोलॉजी होती है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है. मान लीजिए हम किसी भी कम्युनिकेबल डिसीज़ की ट्रीटमेंट करते हैं तो उस केस में क्या होगा कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. ठीक है, हम तभी कर पाएंगे उसका ट्रीटमेंट. और दूसरी चीज़, ये जो सब्जेक्ट है ये हमारी समझ में तभी आएगा जब हम इसका कुछ बेसिक्स पढ़ें. जैसे सपोज़ कीजिए हमने इसमें स्टार्ट किया बैक्टीरिया, तो सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा बैक्टीरिया होता क्या है. ठीक है, उसके बाद बैक्टीरिया के टाइप्स कितने हैं, किस बेसिस पे बैक्टीरिया के टाइप्स रखे गए थे, उसमें डिफरेंस क्या है, जो भी इसमें टाइप्स हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको याद होनी चाहिए. देन उसके बाद आप इसके बारे में आगे पढ़ें. तो मेन चीज़ आपको फंडामेंटल पर ज़्यादा ध्यान देना. तीसरी चीज़ के हम इसमें देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी का मतलब क्या है. सिर्फ इतना सा मतलब है, जो माइक्रोस्कोप होता है हम उसके अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म को पढ़ रहे हैं. मीन्स एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम किसी माइक्रोस्कोप की हेल्प से पढ़ रहे हैं, दैट इज़ माइक्रोबायोलॉजी. ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, हम पैथोलॉजी, फार्मा या माइक्रोबायोलॉजी इन तीनों सब्जेक्ट को जब पढ़ते हैं तो उसमें से कोई भी सब्जेक्ट जो है इनकम्प्लीट है. अगर मान लीजिए आपकी माइक्रोबायोलॉजी समझ में नहीं आती तो पैथोलॉजी फार्मा भी आपके लिए एक तरीके से इनकम्प्लीट ही है. ठीक है, तो एक ये चीज़ अपने माइंड में डाल लीजिए कि दूसरा सब्जेक्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आप इन तीनों सब्जेक्ट को ध्यान से समझेंगे. अब हम बात करते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ ऐसी करनी है जो हमें माइक्रोबायोलॉजी समझ में आए. ठीक है, फर्स्ट चीज़ पहला आपका बुक सिलेक्शन. तो मींस एक चीज़ समझ जाइए, जो अगर हम बुक्स की बात करते हैं तो अनंत नारायण और पानीकर की जो बुक हैं, अगर आप में MBBS कर रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट बुक है. ठीक है, या बवेजा भी आप ले सकते हैं, बट जो अनंत नारायण की और पानीकर की जो बुक है उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है. मीन्स इतना ज़्यादा कंटेंट है कि आपको उसमें से खुद ही देखना पड़ेगा क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है और क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. फिर हम लोग बात करते हैं नर्सिंग की. तो नर्सिंग में मैंने एक बुक आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, CP बवेजा. उसका एक रीज़न है क्योंकि इसमें सिर्फ उतना ही कॉन्टेंट है जितना आपको ज़रूरत है. इसमें कुछ कमियाँ भी हैं, कुछ लैक ऑफ नॉलेज भी है, ऐसी बात नहीं है कि इसमें सारी चीज़ें हैं, बट आपके बेसिस पर, नर्सिंग के बेसिस पर बेस्ट बुक है. अब हम बात करते हैं कि हाउ टू स्टडी माइक्रोबायोलॉजी. मीन्स अगर हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम उसे किस तरीके से पढ़ें जो हमारी समझ में आए और उस चीज़ को हमें हमेशा अपने माइंड में रख सकें. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बात बताई कि सबसे पहले होता है कि आप बुक का सिलेक्शन करें. ठीक है, मीन्स ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं. दूसरी अगर हम बात कर देते हैं वो होता है आपके क्लास के नोट्स. मीन्स जो भी आपके टीचर कुछ भी चीज़ आपको समझाते हैं, बताते हैं, तो प्लीज़ उन्हें साथ ही साथ उनके नोट्स बनाते चलिए. अगर हम थर्ड पे बात करें तो थर्ड होता है आपके सेल्फ नोट्स. मींस जो आप नोट्स खुद बनाते हैं. एक चीज़ और, जो भी आप नोट्स बनाते हैं तो आप किसी बुक्स को पहले रीड कर रहे हैं, फिर आप उसके बाद अपनी क्लास के जो नोट्स हैं, मींस जो आपके सब्जेक्ट है, कितने टॉपिक कराए हैं, आप उन टॉपिक को लेकर तब अपने सेल्फ के नोट्स बनाइए. ठीक है, जिससे, और उसमें एक चीज़ और है कि आप इंटरनेट का यूज़ करिए. विदाउट पिक्चर, विदाउट डायग्राम आप कोई भी नोट्स बनाते हैं तो वो इनकम्प्लीट है, आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा. माइक्रोबायोलॉजी आपकी तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आप लैब में नहीं जाएंगे, जब तक आप उसे माइक्रोस्कोप में नहीं देख लेते. और अगर मान लीजिए आप विदाउट लैब में नहीं जा पा रहे हैं कैसे भी, तो प्लीज़ आप उसे नेट से देखिए, हर एक चीज़ को बहुत डीपली स्टडी करिए, तभी आपकी समझ में आ पाएगी. अच्छा, अगर आप मान लीजिए इंटरनेट यूज़ भी करते हैं, आप उसमें से सारी पिक्चर्स देखते हैं, ठीक है, लेकिन आपकी फिर भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप एक चीज़ याद रखिए, आप सिलेबस अपना उतना ही रखिए जितना मैम ने आपको कराया है. आप बुक सिलेक्शन करिए, उसमें से देखिए और फिर उसके बाद एक एक पिक्चर्स को आप देखिए, समझिए कि हाँ वाकई में इसका कितना रोल है, कितना नहीं है, कितने टाइप्स के हैं, हम हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है. इस बेसिस पे ही आप करिए. आपके इतना बड़ा आपका माइंड नहीं है कि आप हर चीज़ अपने पास रख सकें या आप अपने एकदम से सारी चीज़ याद कर लें, तो ये पॉसिबल भी नहीं है आपके लिए. ठीक है, अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपकी होती है ग्रुप स्टडी. अगर मान लीजिए आप ग्रुप स्टडी करते हैं तो आपके जो अपने नोट्स हैं, ठीक है, जो आपने खुद बनाया आप उसका रिवीजन करते हैं, बाकी जो दूसरे ने नोट्स बनाया अगर आप उसके साथ और ग्रुप स्टडी करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है. लेकिन देखिए, इसमें भी एक सच्चाई है कि अगर आप मान लीजिए खुद अकेले ही अगर आप पढ़ सकते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है. ठीक है,
और मेन इंपॉर्टेंट होता है जो आपके क्लास के नोट्स हैं, प्लीज़ उसका रिवीजन करिए। जितना आप ज़्यादा उसका रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ हो रहा है, अगर आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हर सब्जेक्ट से रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं आजकल मार्केट में, तो आप माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन है आप उसे डाउनलोड करिए। उसमें जो क्विज़ होते हैं आप उसे खेल सकते हैं, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, जैसे भी। तो जो आपका रिवीज़न है वो उसके बेसिस पर होता रहता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं, कम से कम आप 15 से 30 मिनट दे दीजिए, मतलब आप रेगुलर तरीके से दीजिए 15 से 30 मिनट, जिससे ये रहता है कि आप जो भी चीज़ याद रखते हैं वो आपके माइंड में स्टोर रहेगा, ठीक। फिर उसके बाद कोशिश करिए कि आप टोटली तरीके से दूसरे पर डिपेंड ना रहें, क्योंकि ग्रुप स्टडीज़ में कई बार क्या होता है कि आप ये बहुत बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट्स के, सोचते हैं नहीं मेरा फ्रेंड नहीं पढ़ रहा है हम कैसे पढ़ेंगे वो अभी 10 मिनट 5 मिनट, नहीं, जो आपका एग्जैक्ट टाइम है आप उस पर बैठ जाइए, वो नहीं आ रहा है उसे जाने दीजिए। क्योंकि देखिए लाइफ आपकी है, जो भी होगा आपके लिए होगा, जो उसके लिए होगा वो उसका ज़िम्मेदार होगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं और उसके बाद उसका रिज़ल्ट उन्हें कुछ और ही मिलता है, तो रीज़न यही आता है। तो प्लीज़ किसी पे डिपेंड ना होइए, खुद अकेले भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर वो आता है ठीक है, नहीं आता देन उसके बाद आप खुद पढ़िए। मेरी इस पूरी वीडियो में मैं मोस्टली आपको सिर्फ एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, तो मेन इंपॉर्टेंट है आपके नोट्स। अगर आपने खुद अपने नोट्स बनाए हैं बेटर है, अगर आपने नहीं बनाए हैं, आपके क्लास के नोट्स रखे हैं और मान लीजिए वो भी आपकी समझ में नहीं आते हैं, तो बेटर आपके लिए ये है कि जो मैंने आप, इसलिए मैंने आपको पहले ही बुक रिकमेंड कर दी कि आप इन बुक्स को पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको कोई ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपको टीचर जो भी बताता है आपको सब समझ में आ रहा है, उसके बाद भी एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको जो दूसरी बुक है मैंने आपको रिकमेंड कर दी है, ठीक है। तो कोशिश यही करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ सके उसमें पढ़ लीजिए, क्योंकि ये एक मेडिकल कोर्स होते हैं जिसमें आप ये चीज़ पढ़ रहे हैं। आपकी एक गलती, मैंने आपको फिर से बताया, आपकी एक गलती किसी की लाइफ बर्बाद कर सकती है। तो अपने अंदर से जो एक मोटिवेशन होता है उसे कभी ख़त्म ना होने दें इस चीज़ के लिए, ठीक। मच मिलते हैं माइक्रोबायोलॉजी के एक टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।